आप देख रहे हैं ग्रीमा टाइम्स। पार्किंग को सतबीर मुंडाल, किस बात को लेकर आप लोग स्ट्राइक किए हैं? हमारी सबसे बड़ी मांग यही है, सरकार ने जो वायदा किया था 2016-17 की पॉलिसी रद्द करके नई बसों का जरा इंतज़ाम करे, और सरकार का अपना डायलॉग है सबका विकास सबका साथ, और उस पॉलिसी के तहत जो है ना 14,000 नई बसों का इंतज़ाम करे और 84,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए सके, ताकि इस आज़ादी का नीचे पायदान तक फायदा जा सके। कृष्ण सुहाग बहुत तकड़ीपुर। हमारी मुख्य मांग जो पॉलिसी परिवहन नीति 2017 सरकार लेके आई, उसकी एवज में वो हम बिल्कुल पूरा विभाग एक मत से उसको रद्द करवाना चाहता है, और ये पिछले 3 दिन की स्ट्राइक में सरकार मान भी चुकी है, लेकिन सरकार अपने किए हुए वादे से ही मुकर रही है। एक तरफ तो सीएम मनोहरलाल खट्टर जी कहते हैं कि 150 किलोमीटर तक लड़कियां फ्री कर दी हमने, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका मतलब रोडवेज एक तरफ तो अच्छी है, तो ये पॉलिसी जिसको कोई जनता नहीं चाहती, कोई कर्मचारी नहीं चाहता, तो किस हित में ये सरकार काम करना चाह रही है? इसी एवज में आज की एक दिन की हड़ताल हमने रखी हुई। सुशील कुमार, कहाँ से कहाँ जाना था? हमें रोहतक से करनाल की तरफ जाना था। अच्छा, बस नहीं चल रही, से कितनी परेशानी हो? बहुत, इतनी परेशानी हो रही है कि बस सरकार से मन उठ गया मेरा। अच्छा, और अब इसके बारे में क्या कहे, कोई सुविधा नहीं नज़र आ रही हमें, कैसे जाए, प्राइवेट भी नहीं दिख रही, सरकारी के तो को मतलब नहीं। इसमें दिल्ली तो आया, क्या नाम आपका? नाम रघजोत सिंह, दिल्ली तो आया उन्होंने, मैम जाना है, मैं बस नहीं मिल रही, आधा घंटा वेट कर रहे हैं, तय करें बाहर मिलेगी अंदर मिलेगी, वेट कर रहे हैं, बस नहीं मिलेगी। सॉरी, क्या नाम है भाई आपका? कैलाश। कहाँ से कहाँ जाना था? भिवानी है, चंडीगढ़। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है, बस नहीं चल रही? बहुत परेशानी है। कैसे जा पाएंगे? कोई देखेंगे, कोई साधन मिलेगा। कहाँ से कहाँ जाना था जी आपने? रोहतक से यमुनानगर जाना था। अच्छा, कितनी कहाँ पे, मतलब क्या कोई विशेष काम था? हाँ, क्या था? किसी की दर्द हो गई थी, जाना था। बस नहीं चल रही है? हाँ, तो अब दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है बहुत, मुझे को तो बहुत जरूरी जाना है। खबरों के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स टीवी, और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।